नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। आज 27 जुलाई है। बात करते हैं झारखंड की प्रमुख 5 खबरों के बारे में। पहली खबर है, कोरोना के थर्ड वेव की आशंका के बीच सीएम हेमंत सोरेन को भेंट किया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मुख्यमंत्री ने की सराहना। जी हम आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच आज मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में USAID निष्ठा पथ संस्था के राज्य प्रभारी ने मुलाकात की। इस दौरान उन्हें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 4 युवतियों को दिल्ली ले जा रहे 2 मानव तस्कर चढ़े RPF के हत्थे, बाल बाल बची गुमला की लड़कियां। जी हम आपको बता दें कि मानव तस्करी का एक मामला जो है वो रेलवे सुरक्षा बल ने उजागर किया है। रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों ने गुमला जिले से दिल्ली ले जा रहे 4 युवतियों को मानव तस्करों से मुक्त कराया। दोनों तस्करों को पुलिस को सौंप दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार गिराने के साजिश की CBI जांच के लिए हाईकोर्ट ने PIL राइट टू वोटर का दिया हवाला। जी हम आपको बता दें कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार गिराने के लिए विधायकों के खरीद फरोख्त मामले की CBI जांच को लेकर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका पंकज कुमार यादव की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने दायर की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चतरा के हंटरगंज में बनने के 6 महीने बाद ही उखड़ने लगी सड़क, ग्रामीणों ने की जांच की मांग। जी हम आपको बता दें कि केदली मोड़ से उरैली गांव तक ग्रामीण विकास विभाग मद से 99 लाख की लागत से 3 किलोमीटर PCC पथ का निर्माण किया गया। सरकार का निर्माण संवेदक संजय सिंह ने कराया है। सड़क बनने के 6 महीने बाद ही सड़क जगह जगह उखड़ने लगी और कई जगह गड्ढे बन गए। इसको लेकर ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बच्चों से मोबाइल चोरी कराकर कोलकाता में बेचने वाले अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरोह के 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जी हम आपको बता दें कि अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरोह के 6 आरोपियों को सदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला चोर भी शामिल है। इनके पास से चोरी के 43 एंड्रॉयड मोबाइल फोन जो है वो जब्त किया गया। ये गिरोह बच्चों से मोबाइल चोरी करवाता और उसे कोलकाता में बिचवाता है। झारखंड अपडेट्स में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज PR। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज PR को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही सब्सक्राइब कर दें।